नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हील स्पर, जिसे हम कैलकैनियल स्पर के नाम से भी जानते हैं, यानी पैर की एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। और इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। हम जो शूज पहनते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि या तो उनमें एड़ी है या पुराने हो चुके हैं। कई बार देखा जाता है कि एड़ी की साइड से एक साइड घिस जाती है और दूसरी साइड से वो ठीक रहती है, और हम जब चलते हैं तो हमारी एड़ी रगड़ खाती है, जिसके कारण से हील स्पर या पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है। या वह महिलाएं जो हील वाली सैंडल पहनती है, या वह लोग जो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, देखा जाता है कि उनको हील स्पर होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी हड्डियों से बनी है और हड्डियां कैल्शियम से बनी है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, खासकर एड़ी के आसपास, तो कुछ कंडीशन के कारण से जो एड़ी की हड्डी है वो एक नुकीली शेप ले लेती है और हमें वो एक चुभन जैसा महसूस होता है। यानी कि वो जो हड्डी है वो मसल्स में चुभती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत एक्यूट पेन हो रहा है। और ये सच बात है कि एक्यूट पेन होता भी है, जो पेशेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप जरूर डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने आपका एक्सरे कराया होगा और एक्सरे में देखकर कहा होगा कि या तो इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी या यहां पर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको एक स्पेशल प्रकार की चप्पल के बारे में बताते हैं। वो चप्पल जो होती है उसमें एक होल होता है, जब आपने पैर को उसमें रखते तो जो पैर की एड़ी की हड्डी है वो उस होल में जाती है और आपको उससे राहत नजर आती है। और साथ में ये कहते हैं कि आपको सिकाई कर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको हील स्पर हो गया, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम हील स्पर का ट्रीटमेंट। आइए, हील स्पर हो जाना पैर की एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। दोस्तों, जब भी हील स्पर होगा इस वाले पोर्शन में होता है, यहाँ एक नुकीली जैसी हड्डी बन जाती है जिसके कारण से वो पेन करती है, और जैसे ही पेशेंट पैर रखकर चलता है तो उसको बहुत असहनीय पीड़ा होती है। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और हमें अपने पैर से पूरे पैर की अच्छे से रबिंग करनी है। करने का तरीका, पेशेंट को करते समय थोड़ा सा पेन जरूर हो सकता है, लेकिन जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो भी रुक जाती है, और उसके कारण से पेशेंट को बहुत जो एक्यूट पेन हो रहा है उसमें भी इमीडिएटली रिलीफ मिल जाते हैं। पूरे पैर के अच्छे से रबिंग, इस प्रकार से हम हील स्पर या कैलकैनियल स्पर के लिए, या पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है उसके लिए इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट छोटा जरूर है लेकिन बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना हील स्पर, कैलकैनियल स्पर या पैर की एड़ी की हड्डी के बढ़ जाने के क्या कारण होते हैं। आप रेगुलर बेसिस पर यह ट्रीटमेंट करें, खाने पीने का परहेज रखें, ज्यादा देर खड़े रहते हैं उससे थोड़ा सा बचें, अगर आप हील वाली सैंडल, हील वाली चप्पल पहनते हैं उसको अवॉइड करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, और अगर आपको लगता है हमारा क्लिनिक दूर है, हमारे क्लिनिक पर आप नहीं आ सकते, तो हम आपके घर पर भी होम विजिट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, आपके घर पर भी अब इलाज संभव है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।